आज इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और प्रोडक्ट्स में बात करने से पहले आज आपको लगेगा ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, जो डॉक्टर्स होते हैं या मार्केटिंग सिस्टम है, यानी जो सेल्स में काम करते हैं या जिनका मेडिकल स्टोर है, इन तीनों को एजुकेट कर सकते हैं कि पहली बार इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट आया है जो एडवांस आयुर्वेदा है, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। तो मैं एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ब्रेन के लिए है तो एक प्रोडक्ट है, लीवर के लिए एक प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए एक प्रोडक्ट है, डायबिटिक के लिए है, लंग्स के लिए है, आर्थराइटिस के लिए है, और मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए है, किडनी के लिए है, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, एंटी एजिंग, एक ही प्रोडक्ट है। अब ये रेवोल्यूशन है, नई रिसर्च है इंडिया के अंदर कि एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हर्बो न्यूट्रोजेनेमिक्स, ये ब्रांड है। और इस ब्रांड में लीवर के लिए अगर जो प्रोडक्ट होगा एक होगा, ब्रेन के लिए जो प्रोडक्ट होगा एक होगा, हार्ट के लिए जो प्रोडक्ट होगा एक होगा, लंग के लिए जो प्रोडक्ट होगा एक होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो प्रोडक्ट होगा वो एक होगा। ऐसे तमाम जो हेल्थ चैलेंजेस हैं जो ऑर्गन बेस्ड हैं उनके लिए एक प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट, अंकित जी आपने लेट कनेक्ट किया है, म्यूट कर दीजिएगा अपने आप को। मीटिंग को कनेक्ट कर लिया। ये डिस्टर्ब करता है, आप भी अगर कभी मतलब किसी को एंटरटेन करते हैं और बीच में कुछ ऐसी आवाज आती है, तो ये 5-in-1 प्रोडक्ट है। एंड इस प्रोडक्ट को बताया जाता है, ये है टारगेटेड फंक्शनल न्यूट्रिशन। टारगेटेड फंक्शनल न्यूट्रिशन का मतलब ये है, टारगेट मतलब सपोज ब्रेन है तो ब्रेन के लिए ऐसा एक 5-in-1 इंग्रेडिएंट्स है प्रोडक्ट के अंदर, जो ब्रेन को हेल्दी भी रखेगा और जो ब्रेन के रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस है उसको उसको क्योर भी करेगा। क्या ये है? नंबर एक प्रोबायोटिक है इसमें, नंबर दो न्यूट्रासिटिकल्स है। अब प्रोबायोटिक का मतलब गट हेल्थ से है, न्यूट्रासिटिकल का मतलब है कि जो ब्रेन एज ए ऑर्गन उसमें जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी उसको सॉल्व करेगा। इसके अलावा आयुर्वेदा यानी हीलिंग हर्ब्स होंगी जो ब्रेन रिलेटेड जो भी दिक्कत है उसको क्योर करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे जो ब्रेन एज ए ऑर्गन उसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसको काउंटर करेगा। एंड फाइनली न्यूट्रोजेनेमिक्स होगा जो ब्रेन एज ए ऑर्गन उसके अंदर जो डीएनए है उसको रिपेयर एंड हेल्दी करेगा। तो ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड इसके बावजूद भी ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर सिस्टम है, डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स को क्या चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट उसके पेशेंट को मिले जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिसका उसको असर जल्दी दिखे, एंड एट द सेम टाइम पेशेंट की कॉस्ट कम हो, एंड ऑब्वियसली अगर वो लिख रहे हैं तो उनको मार्जिन अच्छा मिले। इनमें से एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्रेन वन। पांच चीजें अगर आप इसमें देखिएगा, ब्रेन वन के अंदर जिंको बाइलोवा है, विकोपा मनुरी है, अश्वगंधा है जिसमें पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है KSM-66, गोटू कोला, ट्रांस रेजोटॉल है जो एंथम का है। इस तरह से अगर आप इस प्रोडक्ट में देखें, आगे और डिटेल में जाएंगे इसकी, कि पांच इंग्रेडिएंट हैं जो गट हेल्थ से लेकर के एंटीऑक्सीडेंट से लेकर के न्यूट्रोसिटिकल से लेकर के क्योरिंग हर्ब्स और डीएनए को भी ठीक करता है। और अब बात करते हैं इसकी एमआरपी 2299 है, 60 इसके अंदर कैप्सूल्स हैं और खरीदने की प्राइस 1599 है, तो मार्जिन 43% है। कैन यू इमेजिन, ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिया में अपने आप में पहला प्रोडक्ट है जो 2299 में भी 60 इसके अंदर कैप्सूल्स है, जो अगर आप पेशेंट को दो तो
पहले दिन से रिजल्ट मिलता है उसको, उसकी प्राइस 2299 है पूरे एक महीने के कोर्स, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी जो खरीदने का प्राइस है, जिसमें मैंने आपको बताया चाहे मेडिकल स्टोर खरीदे चाहे डॉक्टर्स की डिस्पेंसिंग हो, 1599, और रिटेल मार्जिन 43% है। अब बात करेंगे कि ये ब्रेन वन के डिटेल में, एक प्रोडक्ट के बाद आपको इस प्रोडक्ट की फिलॉसफी का पता चलेगा जिसका नाम है हर्बो न्यूट्रोजेनेमिक्स। तो ब्रेन वन यानी ब्रेन वेलनेस, इसमें ऐसा क्या है जो पहले दिन से रिजल्ट आते हैं? ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, इसमें जैसे कि आपको बताया चार तरह के प्रोबायोटिक है, हीलिंग हर्ब्स है चार तरह की, विटामिन एंड मिनरल्स है 7, जो ब्रेन के अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी उसको पूरा करेंगे, 10 तरह के एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ब्रेन के ऊपर पड़ता है, उसको काउंटर करने के लिए 10 एंटीऑक्सीडेंट है, और जीनोम हीलिंग ब्रेन से रिलेटेड जो भी आपका डीएनए में चैलेंज आएगा, वेयर एंड टीयर बोलो या उसकी ग्रोथ बोलो, उसके ऊपर दो। तो इन टोटल अगर आप इसको देखो तो ये 25, 26, 27 इंग्रेडिएंट्स है। थोड़ा डिटेल में इनको ले लेते हैं। प्रोबायोटिक गट हेल्थ, एसिडोफाइलस, ये सीबीडी यानी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस के ऊपर भी काम करता है। दूसरा जो प्रोबायोटिक है गैस्ट्रो इन्फेक्शन को फाइट करता है, डायरिया एंड आईबीएस में हेल्प करता है। बी लॉन्गम ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, फाइट ऑफ बेड ऑर्गेनिज्म एंड बाउलार्डी, बेसिकली ये स्पोर्ट्स हैं प्रोबायोटिक के जो गट हेल्थ में जब आप पेट में जाएंगे तो ये फूट जाते हैं और उसके बाद अच्छे बैक्टीरिया बनाते हैं। तो एस बाउलार्डी ये सब उसमें लिखा हुआ है गूगल में, इंटेस्टिन लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, जीटी लीकी गट आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है, इंक्रीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये इसका मतलब ब्रेन वन के अंदर पर्पज ब्रेन को क्योर करना है, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर को, बट उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो गट को भी हेल्दी रखेंगी। हीलिंग हर्ब्स में जिंको पाइलो हुआ है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, अश्वगंधा एंटी स्ट्रेस है, इंसोमिनिया पे काम करता है, ब्राह्मी ब्रेन फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट है, गोटोगोलरा मेमोरी और ब्लड ब्रेन बैरियर के ऊपर काम करता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो न्यूट्रिएंट गैप पूरा करते हैं, तो विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर, कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर काम करता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन फोकस इन मेमोरी, B6 डेमेंशिया अल्जाइमर में हेल्प करता है, और ये नए न्यूरोट्रांसमीटर बनने में भी मदद करता है, B1 मेमोरी एंड जो ब्रेन से रिलेटेड पेन है उसमें हेल्प करता है, सेलेनियम जो सेल डैमेजेस हो रही हैं एज के साथ उसमें हेल्प करता है, पार्किंसन में हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शन एंड डेवलपमेंट में कॉपर एंड जिंक बहुत जरूरी है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स है, अल्जाइमर एंड पार्किंसन में काम करता है, एन एसिटाइल कोलिन, एल सारिन न्यूरो प्रोटेक्शन में काम करता है, ब्रेन फंक्शन में सपोर्ट करता है, ऐसे बहुत सारे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काम करता है, ट्रांस रेजोटॉल ये प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और वैसोडाइलेशन नसों को फैलाता है, एस्ट्राजेंक्टिन ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाता है, डोपामाइन लेवल को बढ़ाएगा, एल ट्राइप्टोफेन ये मूड एंड स्लीप साइकिल को बेटर करता है, ऐसे भी कुछ और बता रहे हैं, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन, स्ट्रेस रिलीफ फंक्शन, नॉर्मल स्लीप साइकिल, ब्रेन डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट नर्व सेल्स, मेंटल परफॉर्मेंस, जीनोम हीलिंग में TMG क्या करता है, डीएनए प्रोडक्शन एंड रिपेयर, प्रिवेंट सेल सिंकेज, फॉलिक एसिड अगेन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ डीएनए आरएनए। तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें दिखी, एज ए डॉक्टर या एज ए हेल्थ प्रोफेशनल अगर आप किसी को दिखाओगे या कोई देखेगा
तुमको लगेगा कि जो ब्रेन रिलेटेड जितने चैलेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो ब्लड फ्लो का हो, चाहे ऑक्सीजन फ्लो का हो, चाहे हेडेक हो, चाहे मेमोरी का हो, चाहे ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन का हो, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर का हो, इन 27 इंग्रेडिएंट हर एरिया में काम करता है। एंड इसके बावजूद भी इस प्रोडक्ट की जो कीमत है, जो रिटेल मार्जिन है, ये चौड़स्त है। अब कुछ बात करते हैं ऐसे प्रोडक्ट की जो नॉर्मली मार्केट में पाए जाते हैं। ब्रेन वन जैसा प्रोडक्ट इंडिया में इस समय किसी कंपनी के पास नहीं है। इसके बावजूद भी प्राइस बहुत कंपिटिटिव है, रिटेल मार्जिन 53% है। कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीज, नॉर्मली अगर मार्केट में देखो तो ये प्रोडक्ट 60 टैबलेट के पैकिंग में 285 रुपए से 400 रुपए के बीच में आते हैं। स्टूनिया वन का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट से ही हेल्थ केयर का बिजनेस चलता है, इसकी एमआरपी 399 है और 100 टैबलेट है, इसमें पैकिंग 100 टैबलेट की है और इसमें जो रिटेल मार्जिन है 399 रुपया पर 100 टैबलेट, मार्केट में सबसे बेस्ट प्राइस है। इसके बाद भी जो इस प्रोडक्ट को रिटेल करेगा, यानी रेकमेंड करेगा, उसको मार्जिन 73% है। मार्जिन तब मैटर करता है अगर आपकी प्राइस ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं उससे कम हो एंड इंग्रेडिएंट एंड क्वालिटी उससे बेटर हो। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैल्शियम का फॉर्म है वो सिट्रेट है, जो ज्यादा बायोडिग्रेडेबल फॉर्म है। अब हम बात करेंगे क्रिल ऑयल। इसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि क्रिल ऑयल जो डीप एंटार्कटिक ओशन में क्रैब्स होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट होता है। आज की डेट में क्रिल ऑयल का जो 30 कैप्सूल है, केवल क्रिल, अब क्रिल में ये नहीं है कि वो कहां से लाया गया, तो क्रिल में एक और एडवांटेज है हमारे पास एस्टोनिया वन में कि सुपरवाट का है ये क्रिल। जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है दैट इज सोर्स बाय ए कंपनी सुपरवा, जो इंडिया नहीं, इंडिया तो छोड़ो, पूरी दुनिया में बेस्ट क्वालिटी क्रिल ऑयल के लिए जानी जाती है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी प्रोडक्ट में क्या है कि सुपरवा का है, 30 सॉफ्ट जेल का जो क्रिल ऑयल मिलता है जिसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सुपरवा का है, वो 12, 13, 14, 15 रुपए में आते। यहाँ पे क्रिल ऑयल के साथ ग्लूटाथियन है और ग्लूटाथियन रिड्यूस फॉर्म में है। अगर आप गूगल में जाके देखेंगे कि ग्लूटाथियन कब ज्यादा एफिशिएंट होता है, कब ज्यादा वो बॉडी में जाकर के स्किन या हार्ट में ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, तो रिड्यूस फॉर्म में होता है। वो भी एक कंपनी है जो दुनिया में जानी जाती है, बेस्ट क्वालिटी पेटेंटेड ग्लूटाथियन, एल ग्लूटाथियन रिड्यूस फॉर्म में बनाने के लिए उसका है, विटामिन ई है, विटामिन के टू है। तो ये कॉम्बिनेशन इस समय इंडिया में क्रिल ऑयल में नहीं है। और क्रिल ऑयल एस्टोनिया का जो है वो 60 सॉफ्ट जेल है, नॉट 30। मैंने फिर बताया आपको कि 30 सॉफ्ट जेल ओनली विद क्रिल ऑयल, जिसमें सुपरवाल 2M नहीं लिखा हुआ, 2TM नहीं लिखा हुआ, वो 11, 12, 13, 1400, 1500 रुपए के आते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये 2499 इसका MRP है, 60 है सॉफ्ट जेल और हमारी प्राइस 1599 है, और इसमें 30 सॉफ्ट जेल केवल क्रिल ऑयल अगर 1400 रुपए का मिलता है, क्रिल ऑयल सुपीरियर क्वालिटी का विद ग्लूटाथियन रिड्यूस फॉर्म में विटामिन ई एंड के टू, 60 सॉफ्ट जेल अगर 2500 रुपए का मिलते हैं, कैन यू कंपैरिजन द प्राइस एमआरपी। एंड इसके बाद भी जो मार्जिन इज 56%। अब एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो जनरली ऑस्टियो आर्थराइटिस हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक समस्या है हेल्थ के मामले में। मैं बार बार प्रोडक्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है और जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काम करते हैं, वो चाहे
डॉक्टर्स हो, चाहे मार्केटिंग सिस्टम हो, चाहे डिस्पेंसिंग सिस्टम हो, उसमें प्रोडक्ट की वैसे ही पैसा आता है। और पैसा किससे आता है? जो पेशेंट खरीदता है। तो पेशेंट को, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको ऐसा प्रोडक्ट मिले जो मार्केट में कम से कम प्राइस में हो, उसको जल्दी से जल्दी उसको रिजल्ट मिल जाए। एंड इसके बाद भी जो सिस्टम है हेल्थ केयर प्रोफेशन का, उसका मार्जिन अच्छा हो। तो इसमें ग्लूकोसामिन है, कॉन्ड्रीन है, एमएसएम है, मेरीन क्लोजन है इंजा का, ओमेगा है, कुरकुमिन है, बसवेलिया है, कोरल कैल्शियम है, विटामिन डी थ्री, बायोप्रीन है। बायोप्रीन अपने आप में ब्लैक पेपर का बेसिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, जिंक है, मैग्नीशियम है, जिंजर है, प्रोबायोटिक है। एंड इसकी प्राइस 1999 है। डायरेक्ट स्टूनिया वन से खरीदने की प्राइस 1299 है, उसमें मार्जिन 53% है। मैं एक प्रोडक्ट को हमेशा कोट करता हूं, मार्केट का अच्छा प्रोडक्ट जिसको अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसका नाम है कार्टेजन फोर्टे। इन कार्टेजन फोर्टे में ऑर्थो वन के कंपैरिजन में 25% इंग्रेडिएंट्स है। एंड दैट कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज फॉर ओनली 10 कैप्सूल। तो ये मार्केट में जो अच्छा प्रोडक्ट है वो 40 रुपया पर कैप्सूल आता है, यहाँ पे एमआरपी पे भी इट कॉस्ट यू 33 रुपीज पर कैप्सूल, बट द रिटेल मार्जिन इज 53। इसके अलावा बात करेंगे मल्टी विटामिन। पूरी इंडिया में मल्टी विटामिन बहुत पॉपुलर है, हर सेगमेंट के लोग यूज करते हैं। मल्टी विटामिन जिसका नाम एस्टोनिया वन में एवरीडे वन है, 1499 है। इसकी खरीदने की प्राइस 999 है और इसमें रिटेल मार्जिन 50 है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में जितने भी मल्टी विटामिन मिलते हैं उसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल, 4-5 इंग्रेडिएंट, हर्ब्स हो सकती हैं या कुछ अमीनो एसिड डाल देते हैं। यहाँ पे 13 विटामिन 11 मिनरल्स तो हैं, साथ में TMG और CAKG है जो DNA पे काम करता है, प्रोबायोटिक है और अमीनो एसिड पूरे हैं, चाहे जितने भी अमीनो एसिड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल चाहिए बॉडी को वो पूरे हैं। एल ग्लूटाथियन है, एल आर्जिनिन है। एल ग्लूटाथियन स्किन और हार्ट के लिए अच्छा होता है, एल आर्जिनिन वैसो नसों को फैलाता है, जिया जेंक्टिन है जो आंखों के ऊपर काम करता है, एस्ट्रा जेंक्टिन है जो ब्रेन के ऊपर काम करता है, CoQ10 एंड रिजोरिटॉल है जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। कैन यू बिलीव दिस? एक मल्टी विटामिन स्टूनिया वन में, इसको एडवांस मल्टी विटामिन बोलते हैं, जिसमें 13 विटामिन 11 मिनरल्स है, DNA को हेल्दी रखने के लिए TMG एंड CAKG इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा 5 मिलियन CFU प्रोबायोटिक है, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, एल ग्लूटामिन है, एल आर्जिनिन है और आंख ब्रेन और हार्ट के लिए कंपोनेंट है। इसके ऊपर 30 हर्बल एक्सट्रैक्ट है एंड द प्राइस इज ओनली 41499। 13 विटामिन 11 मिनरल विद 3-4 एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट वो कॉस्ट करता है 1000, 1100, 1200, 1500, 60 टैबलेट। दिस इज विद सो मेनी इंग्रेडिएंट्स जो कंप्लीट मल्टी विटामिन है, इसकी प्राइस और मार्जिन 50% है। लीवर के लिए इंडिया में इतने इंग्रेडिएंट वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। मिल्क थिसल इसमें है, पुनर्वा है, कटकी है, डेंडोलिन है, लिकोराइस है, एल ग्लूटाथियन है, बी पूरे विटामिन है, प्रोबायोटिक है। तो इतने इंग्रेडिएंट के बाद भी इसकी जो प्राइस है 1599 है। मैं कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानता हूं जिसमें मिल्क थिसल, डेंडोलियन,
और तो ये कुछ बी विटामिन हो सकते हैं, एंड उनका प्राइस 1800 रुपये, 1599 उसमें, क्योंकि एस्टोनिया वन का जो फिलॉसफी है, और ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पेशेंट को मार्केट से कम प्राइस में ऐसा एक प्रोडक्ट दे सकते हो जो जो 5 in 1 है, नंबर एक, जिसकी एमआरपी मार्केट से कम है, एंड इवन देन आपका जो मार्जिन है वो एवरेज 40% है। तो यहाँ पे 1199 हमारी प्राइस है, 33% इसमें मार्जिन है। ये स्वीट 18+, ये प्रोडक्ट भी इस समय इंडियन मार्केट में नहीं है। यंग गर्ल्स में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होते हैं, उसके लिए एक एडवांस मल्टीविटामिन है। एंड आप इंग्रेडिएंट गिनते गिनते थक जाएंगे। फ्लैक्सीड है, क्रेनबेरी है, मोरिंगा है, जिंको बायलोवा है, मैंगोस्टीन है, सीबकथॉर्न, ग्रेप सीड, ग्लूटाथियन है, आइसोफ्लेविन्स है, क्यूटेन है, एस्टाजेंथिन है, विटामिन सी है, विटामिन मिनरल सब है, और CAKG जो ब्रेन में काम करता है, बाइप्रीन है। ये ऐसा एक मल्टीविटामिन है जो यंग गर्ल्स के ऊपर, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, जिसकी वजह से जो साइकिल से वो डिस्टर्ब हो रही हैं, एंड द प्राइस इज 1499 999, इसका प्राइस है, 50% इसमें मार्जिन है। ये इसमें MG वगैरह लिखा हुआ है, कितने इसमें आती हैं, हर्ब्स क्या काम करती हैं, ये लिखा हुआ है, इसकी डिटेल में नहीं जाते। अब हम एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत बड़ा ब्रांड है, सेंसोडाइन उसका नाम है। रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, सेंसिटिव टीथ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और आप आज भी अभी मीटिंग के बाद गूगल में ट्राई करना, 235 रुपए इसकी MRP है, 100 ग्राम। ये केमिकल बेस्ड है, केमिकल मतलब जब आप इसको यूज करोगे तो रेगुलर यूज नहीं कर सकते, मुंह का टेस्ट अजीब सा हो जाता है। स्टोनिया वन का जो डेंटा वन है उसकी MRP 85 है 100 ग्राम, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 65 है, और मार्जिन जो हमारा है वो 30% है। इसका मतलब है हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिस भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे मार्केटिंग के प्रोफेशन में हो, चाहे डॉक्टर्स हो, ये एक विन विन सिचुएशन है। इसके बाद हम कुछ पिक्चर के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पे बड़ी हो सकती है। अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ऑब्वियसली वहां पर पे जिन प्रोडक्ट को आप लिख रहे हो उनके ऊपर मेरिट यहाँ पे कितनी है, मार्जिन कितना है, एंड लॉन्ग टर्म बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक डॉक्टर अगर एस्टोनिया वन और हर्बो न्यूट्रोजेनेमिक से कनेक्ट होता है, और अगर वो 75,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन, तो डॉक्टर को एक ही काम करना है जो पहले कर रहे हैं, उनको प्रिस्क्राइब करना है। अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं अपनी थोड़ा बहुत स्टडी करने के बाद, तो उनको बेनिफिट कितना होगा, रिटेल जो बेनिफिट है वो 40% है, नहीं 30,000 रुपीज, अदर बेनिफिट्स जो है वो 21,000 है, तो टोटल जो बेनिफिट है वो 51,000। इसका मतलब है कि नॉर्मली एज ए हेल्थ प्रैक्टिशनर जो आप प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारी लंबी रेंज है, और कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं, हमने कुछ ही प्रोडक्ट के बारे में आज बात की, तो जो रिटेल मार्जिन है, यानी 75,000 रुपए का प्रोडक्ट इन ए मंथ अगर आप प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड ऑब्वियसली बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप तभी प्रिस्क्राइब करोगे जब उसको मेरिट में देख लोगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी में हमने आपसे बात की, जिन्होंने आपको बुलाया उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, EAPPD ले सकते हैं, बट मेरा विश्वास ये है कि मार्केट में जितने अवेलेबल प्रोडक्ट हैं उनसे ये प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है, इंग्रेडिएंट बेटर है, जिससे रिजल्ट जल्दी आएगा, जैसे ब्रेन वन का पहले दिन से रिजल्ट आता है, लीवर का चाहे फैटी लीवर हो, चाहे बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक हो, तो 7 डेज में आता है। ऑर्थो वन जो आर्थराइटिस है, कितना भी पुराना केस हो, फर्स्ट 30 डेज में रिजल्ट आते हैं। बट ऐसे प्रोडक्ट जिनके रिजल्ट फास्ट है, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो
तो जो रिटेल मार्जिन और अदर बेनिफिट मिलाकर के जो बेनिफिट है, केवल 75,000 रुपए का प्रोडक्ट मतलब प्रिस्क्राइब करने पे जो इनकम है इट इज 51,000। अब दूसरा जो काम है, क्योंकि एज ए डॉक्टर, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, जो उनकी ट्रेनिंग है, वो उनका जो कोर नेचर है वो है प्रिस्क्राइब करने का। तो अगर एक डॉक्टर वही काम करें जो पहले करते हैं, तो यहाँ पे 75,000 रुपए के ऊपर 51,000 रुपए आ सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, क्योंकि जो एक डॉक्टर्स की कम्युनिटी होती है, 40-50-100 डॉक्टर्स से वो कनेक्टेड रहते हैं, ये 40-50-100 डॉक्टर्स भी 10-15-20 कंपनियों के प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 10-15-20 कंपनीज के मार्केटिंग सिस्टम उनको एजुकेट करता है, उनको इन्फॉर्म करता है कि डॉक्टर साहब ये लिखो, इसमें ये, इसमें ये। तो अगर एक डॉक्टर्स को ये समझ में आ जाती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, तो एस्टोनिया वन एज ए टीम और हमारा जो मार्केटिंग सिस्टम है वो आपको 50 से 100 लोगों के, जिन डॉक्टर्स को आप जानते हो, उनको एजुकेट करने के लिए तैयार है, ताकि उनकी सेल अलाइन हो जाए। और अगर ऐसा होता है अगले 6 महीने में, तो मैं एक पिक्चर बता रहा हूं कि दो टीम में, ए टीम में अगर 10 डॉक्टर और बी टीम में 10 डॉक्टर्स, इफ दे आर डूइंग द सेम, ये अलग अलग लोकेशन में हो सकते हैं, और अलग पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। हमने एक कैलकुलेशन लिखा है कि हर डॉक्टर अगर 75,000 रुपए का प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है, तो हर डॉक्टर की इनकम एडिशनल 51,000 होगी। और इस तरह से 10 डॉक्टर इस टीम में है और 10 डॉक्टर इस टीम में है, क्या हो सकता है? नंबर एक, इनकम फ्रॉम टीम सेल्स, क्योंकि एक आपके जरिए एक मार्केटिंग सिस्टम बन गया जिसमें सेल जनरेट होती है, ये सेल का पैसा पहले भी एक्स वाई जेड कंपनी को जाता है, क्योंकि ये मार्केटिंग सिस्टम आपके रेफरेंस से बना, तो आपकी इनकम एक्स्ट्रा 1 लाख हो सकती है। ये सिस्टम को अगर सीनियर और सीरियस हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, तो 6 महीने में ये मॉडल प्लेस पे लाया जा सकता है, एंड वी ऑल आर रेडी विद फॉर दिस। अब जो टोटल इनकम होगी वो लगभग 1,25,000 होगी। ये प्रेजेंटेशन हम यहीं पेन करते हैं, आप में से किसी को कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सर गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग सर, ये प्रेजेंटेशन मिल पाएगी सर मेरे को? ये कोई पेटेंटेड थोड़ी है गुरावर जी। नहीं पेटेंटेड तो नहीं है, बट सर फिर भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाई है सर आपने। मैं वही तो बता रहा हूँ, एस्टोनिया वन के अंदर अच्छी बात है कि मेहनत कोई भी करे, फायदा सबको हो सकता है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको मिल जाएगी। मैं तो सोच रहा था कुछ और पूछ लिया। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एस्टोनिया वन के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये फायदा है, कोई मेहनत करता है और आपको उसका फायदा उठाना है तो नकल कर सकते हैं। सर नकल के लिए भी ऐसे होनहार बंदे की नकल करने में मजा आता सर। नहीं नहीं, इसलिए ये प्रेजेंटेशन इसलिए रखी गई कि भाई एटलीस्ट हमें पता चले कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जिसमें जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को जो ड्राइव करते हैं वो तीन लोग करते हैं, डॉक्टर्स जो उनका मार्केटिंग सिस्टम है कंपनीज का, और जो डिस्पेंसिंग सिस्टम है जिसको आप मेडिकल स्टोर बोलते हो। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं, हम किसी डॉक्टर्स को जानते हैं, किसी मेडिकल स्टोर को जानते हैं, किसी मार्केटिंग इंडिविजुअल को जानते हैं। तो अगर उनको सामने प्रेजेंटेशन को रखा जाए, तो मेरा मानना यह है कि एंड ऑफ द डे पैसा कस्टमर से आता है या जो पेशेंट है उससे आता है। पेशेंट को अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जिसके रिजल्ट अच्छे हो, उसके बाद डिस्पेंसिंग वाले को भी अच्छा मार्जिन मिल जाए, प्रिस्क्रिप्शन वाले को भी अच्छा पैसा मिल जाए, वो विन विन सिचुएशन। हाँ जी संदीप जी ने तो ऐसी बात पूछी जो की जा सकती है। आप में से किसी को कुछ कोई चीज करनी है तो आप अपना अब अपना वो ऑन कर सकते हो। आप बीच में मैंने मना किया था, आप कर सकते हो। हेलो
केशव, मैंने कहा किसी को कुछ पूछना है तो आप बताओ, फिर एंड करते हैं। कुलदीप छेत्री जी, ऐसे कुलदीप छेत्री जी तो लोकल ही हैं देहरादून से। पी ओ सी ओ एक्स टू, ये नॉर्मली आप इसी मेरे को अंदाज लग जाता है मीटिंग में आप इसी नाम से ज्वाइन कर सकते हो। आपका शुभ नाम क्या सभी जान सकते हैं? पी ओ सी ओ एक्स टू, पोको एक्स टू। मैंने वो अलाउ किया हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं पोको एक्स टू। लोकेश हांडा जी, आप दिल्ली से हैं? लोकेश हांडा जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वो अनम्यूट वाला ऑप्शन खुला रखा है। रीनू जी, माले अमित वर्मा जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ हाँ सर, नमस्कार। कोई सर, मैंने कहा कुछ क्वेरी कोई चीज नहीं है सर, कोई माले, क्वेरी नहीं ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है। है। एनीवे, इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। पर्पज यही था कि भाई अगर स्टोनिया वन के अंदर आपने इससे पहले भी डॉक्टर नरवाल जी को सुना होगा, इवन पर्सनल केयर के अंदर वी हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स, और 11 तारीख को भी लॉन्च कर रहे हैं। स्टोनिया वन का जो मेन फिलॉसफी है कि बीइंग अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अगर हम मार्केट को, चाहे वो हेल्थ का सेगमेंट हो चाहे पर्सनल केयर का सेगमेंट हो, अगर मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके कंपटीशन में प्राइस दे सकते हैं, उससे बेहतर इंग्रेडिएंट और बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं जो बेहतर रिजल्ट दे, तो हम मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन को यही एंड करते हैं, और आई होप जैसे ग्रोवर जी ने बोला, अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं कल, मेरे को व्हाट्सएप पे मेल कर सकते हैं, मैं आप एग्जैक्टली इसको और मतलब ये पूरी जो पीपीटी है आपके पास आ जाएगी। सभी को शुभरात्रि। और